नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पेटीएम के बारे में। RBI ने पेटीएम पर जैसे ही बैन लगाया, तब से पेटीएम के शेयर्स 42% तक गिर चुके हैं। अब पेटीएम का क्या होगा, कहानी ये नहीं है, कहानी इससे बड़ी है। गेम नंबर वन, पेटीएम की खबर इतनी बड़ी थी कि उसका फायदा उठाने के लिए ऑपरेटर्स ने पहले एक खबर चलाई कि जियो फाइनेंशियल्स पेटीएम के वॉलेट बिजनेस को खरीदने वाला है। ये खबर देखते ही देखते मीडिया में आ गई। जियो फाइनेंशियल्स के शेयर्स ने 20% का अपर सर्किट हिट कर दिया। जैसे ही जियो फाइनेंशियल ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा कि खबर झूठी है, अगले दिन जियो फाइनेंशियल के शेयर्स धड़ाम से फिर नीचे गिर गए। तब तक ऑपरेटर्स ने जियो फाइनेंशियल से जो फायदा उठाना था उठा लिया। गेम नंबर 2, 6 तारीख को पेटीएम के शेयर 452 पर बंद हुए, 7 को वो सीधा 494 पर खुले और 496 पर बंद हुए। अगले दिन 8 को फिर से धड़ाम से गिर गए। चल क्या रहा था यहाँ, कितने मासूम इन्वेस्टर्स इस ट्रैप में फंसे होंगे। जो लोग मार्केट को ठीक से समझते नहीं या जिनको मार्केट में अभी बहुत कम समय हुआ है, उनको लगा होगा कि पेटीएम के शेयर जितना गिरने थे गिर चुके, अब यहां से ये वापस ऊपर भागेंगे, लेकिन ये सिर्फ एक ट्रैप था। गेम नंबर 3, एक बहुत बड़ा सबक और है इस स्टॉक के साथ। 23 नवंबर में वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट फर्म बर्कशायर हैथवे ने पेटीएम में अपना सारा 2.46% स्टेक बेच डाला था और यह उसने 507 करोड़ के लॉस में बेचा था। इस बड़े कांड के पहले जापान के सॉफ्ट बैंक ने भी पेटीएम में अपना स्टेक 5% तक बेच दिया, जो एक समय में 18% था। इससे साफ पता चलता है कि ये बड़े बड़े FII को इस बात का एहसास था कि पेटीएम के साथ कोई खेला होने वाला है। ये हम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। जब भी इस तरह का कोई इनएक्सप्लिकेबल स्टेक सेल हो, तो हमें सतर्क रहकर उस स्टॉक के मूवमेंट को बहुत ध्यान से मॉनिटर करना चाहिए। सही इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के साथ शेयर मार्केट में ऐसे ट्रैप से बचा जा सकता है। ध्यान दें कि शेयर बाजार निवेश में जोखिम होता है, इसलिए सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार रहें और हमेशा वित्तीय योजना के अनुसार काम करें।